डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी, समर्थ सोशल फाउंडेशन व जनरल हॉस्पिटल कोल्हापुर महाराष्ट्र द्वारा निर्मित एंटॉक्स-डी और एंटॉक्स-डी के नियमित सेवन से आपका इंसुलिन स्तर सामान्य होने लगेगा, जिससे एलोपैथिक दवाओं की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप नियमित रूप से 6 महीने तक एंटॉक्स-डी और एंटॉक्स-डी का सेवन करते हैं तो आप पूरी तरह से अंग्रेजी दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी डायबिटीज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सिटी स्टाइल के पास बैंक मोड धनबाद, मोबाइल नंबर 8987524675 और 9709044646। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी के अनुशंसित योजनाओं में से 2 पुल का भूमि पूजन एवं 1 दर्जन सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास विधायक प्रतिनिधि विनोद गोराई एवं विधायक पीए दिलीप महतो ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया, जहां अमय नगर ग्राम से भाड़ा जोड़े जाने वाले रास्ते के नाला पर पुल निर्माण की भूमि पूजन एवं ग्राम हरिया स्थित नाला पर बड़ा पुल निर्माण का भूमि पूजन के साथ गलगल टांड से अंडीहा तक, सिमुलिया से लुटू टांड तक पीडब्ल्यूडी पथ, हुतुकडी कांसीटांड तक रंगामाटी पीसीसी पथ से माढ़रा शिव मंदिर तक, बरकामा पीडब्ल्यूडी पथ से गलगल टांड पीडब्ल्यूडी पथ तक, मानपुर विजया पथ से सियाल जोड़ी तक सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया गया। साथ ही बोगला मोड़ से आसनसोल भाया इंजरी नदी तक सड़क का सुदृढ़ीकरण के कार्य की भूमि पूजन की गई। साथ ही अन्य सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि विनोद गोराई ने कहा कि आज विधायक जी के अनुशंसित 2 पुल समेत 1 दर्जन सड़क की भूमि पूजन एवं शिलान्यास कर क्षेत्र की जनताओं को विधायक ने नवरात्र के अवसर पर करोड़ों रुपए की सौगात देने का काम किया, जो विकास आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक नहीं हुआ था। विधायक ने 10 साल में वो विकास कर दिखाया। आज चंदन क्यारी के विकास की सुगंध झारखंड प्रदेश के साथ पूरे भारत में दिख रही है। इसके अलावा चंदन क्यारी में पावर ग्रिड पुल, गवई बराज परियोजना, सड़क इंजीनियरिंग कॉलेज, पर्वतपुर कोल ब्लॉक, अमलाबाद कोयलवरी की स्वीकृति समेत विभिन्न विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। आप सचिव अजीत सिंह, जिला परिषद उत्तम दास, मुखिया संसद गोड़ाई सांपत गोड़ाई, राकेश मेहता, मृत्युंजय मुखर्जी, जयप्रकाश पांडे, किशुन साधु, निमाय लाल पांडे आदि उपस्थित थे। ऐसे देखिए बुगला मोड़ से हम लोगों ने बुगला मोड़ से आसनसोल और गलगल टांड से माडरा, उसका बाद आपका कुमारडी से बंगाल बॉर्डर, उसके बाद और बहुत सारे योजना आज मोटा मोटे 5 और 3 8 रोड का शिलान्यास हम लोगों ने किया और साथ में 2 पुल का शिलान्यास किया जो अमाई नगर और मौजूडी के जोड़ती है उस पुल का, और 1 पुल यहाँ पर जो हम लोगों ने कर रहा हूँ ये चिड़दा और गमारिया को जोड़ने वाली ये पुल है, और ये होने से इस क्षेत्र के हमारे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता है उनको आने जाने का सुविधा भी होगा और साथ में इससे लाभान्वित होगा। और बहुत सारे योजना ऐसे हैं जो आज आजादी के बाद से कभी सड़क नहीं बना, कभी पुल नहीं बना, वैसे जगहों पर भी माननीय विधायक श्री अमर कुमार बावरी जी द्वारा अनुशंसित कर इस योजनाओं का लाभ चंदन क्यारी वासियों को देने का काम किया है। चुनावी वादे जितने भी किए थे उससे ज्यादा हम लोगों ने कर दिखाया। जैसे पावर ग्रिड का हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, कोई सोचा भी नहीं था, जिसको माननीय विधायक श्री अमर कुमार बावरी जी ने करके दिखाया और 5-5 सब स्टेशन भी करवाए, साथ में यहाँ चंदन क्यारी में पार्क, इंटरनेशनल स्टेडियम, बहुत सारे ऐसे कारनामे, ऐसे विकास किए हैं जो जुगो जुगो तक अमर रहेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज जो हम लोगों ने बरमसिया के क्षेत्र में किया है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग बहुत लड़के
हेमंत सोरेन से लड़ के हम लोगों ने ले लिया है और माननीय विधायक जी ने विधानसभा में ये लड़ के यहाँ चंदनकियारी में स्थापित करने का काम किया है। जनता के लिए दुर्गा पूजा का हमारा सौगात है और माननीय विधायक चाहते भी थे कि इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो, इसीलिए हम लोगों ने चंदनकियारी के जनता ने उसे उत्साहित किया और उन्होंने करके दिखाया। जरूर हैट्रिक करेंगे क्योंकि चंदनकियारी का जनता एक एक जनता के मुंह पर है, अमर बारी अमर बारी अमर बारी।